नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे VLOOKUP बराबर से कैसे यूज करना है। इस वीडियो में जो भी डेमो दिखाए गए हैं उनका सैंपल फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे ज्यादा VLOOKUP कहाँ यूज होता है? हमारे पास कंट्री कोड है और अमाउंट है। रिपोर्ट बनाना इससे कि हर कंट्री में टोटल बिजनेस कितना हुआ। प्रॉब्लम क्या है, हमको कंट्री कोड नहीं दिखाना है, कंट्री का नाम दिखाना है। भाई नाम तो है नहीं, तो हमने अलग टेबल बनाया हर एक कंट्री का नाम। ऐसे वाले टेबल को लुकअप टेबल बोलते हैं। तो हर रो के लिए इधर आने का, ढूंढने का मिल गया। फिर सेकंड कॉलम में जो है वो डेटा कंट्री का नाम है, वो वापस चाहिए। इस चीज को VLOOKUP बोलते हैं। लुकअप मीन्स क्या? सर्च, ढूंढना है। वी क्यों? क्योंकि वर्टिकली ढूंढ रहे। ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, ये रॉ डेटा है। उसको पहले एक्सेल टेबल बनाने का सिलेक्ट करके इंसर्ट टेबल बोलना है। ये ऑलरेडी टेबल है, कैसे समझता है? बाहर क्लिक करो, कोई मेनू नहीं है टेबल के। अंदर क्लिक करो, टेबल डिजाइन मेनू आता है। हर टेबल को अच्छा नाम देना चाहिए। टेबल डिजाइन के अंदर नाम दिखता है। अब ये होने के बाद देखते हैं कि यहां से ढूंढ के VLOOKUP कैसे यूज करते हैं। हर टेबल का नाम ऊपर जाके दिखता है, बट यहां इस वीडियो के लिए मैंने हर टेबल का नाम ऊपर ऐसे लिखा हुआ है। तो VLOOKUP करना है, पहले क्या ढूंढना है? कंट्री का कोड ढूंढना है, ठीक है। ये टेबल होने की वजह से ऐसे सिंटैक्स आता है, D6 नहीं आएगा। हमको टाइप नहीं करना है, वो खुद कर लेगा। @ मीन्स करंट रो और कंट्री कोड तो कॉलम का नाम है। अभी ये पूरा टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली नाम अगर मालूम है तो डाल दो डायरेक्टली। अभी हमको चाहिए क्या? दूसरे कॉलम में जो है वो चाहिए। और लास्ट क्या पूछ रहा है? अगर कंट्री का कोड नहीं मिला तो क्या करूं? एरर दे दूं कि कंट्री नहीं मिला, या दो कंट्री के बीच में जाके ढूंढो? अभी US IN IN EU इसके बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो बीच में जाके ढूंढने का सवाल ही नहीं आता है। इसलिए बोलना है कि बीच में जाके मत ढूंढो, तो रेंज लुकअप मत करो। मत करो मीन्स ना, ना मीन्स जीरो। फॉल्स भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया। ये सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं VLOOKUP, लेकिन ये तो शुरुआत है। VLOOKUP के और भी फायदे हैं और भी जगह पे यूज कर सकते हैं। अभी ये देखिए, इधर मेरे पास कस्टमर के नाम है। उस कस्टमर को मैं कॉन्फ्रेंस के लिए बुला रहा हूँ होटल में। बहुत सारे कस्टमर आएंगे, तो हमने 4 रजिस्ट्रेशन डेस्क रखे। अभी हमको बोलना है हर कस्टमर को, तुम कौन से डेस्क पे जाओगे? तो उनका नाम देख के जाना है। जिसका नाम ए से एफ तक है वो जाएगा desk 1 में। ऐसा टेबल बनाया हमने, लुकअप टेबल। टेबल में क्या डाला है? नाम जहाँ चालू होता है वो डाला है। नाम खत्म कहाँ होता है वो लिखते नहीं है, वो नेक्स्ट वाला उसके पीछे का, मीन्स जी के पहले क्या आता है? एफ। सो ए टू एफ desk 1, जी टू एल desk 2, एम टू आर desk 3, और एस का क्या करेंगे? एस पकड़ के एस के आगे सब कुछ। ऐसे बनता है लुकअप टेबल। अभी VLOOKUP चलेगा। इस टेबल का नाम है आर डेस्क। क्या चाहिए? कस्टमर का नाम चाहिए। कहाँ से चाहिए? आर डेस्क से चाहिए। आर डी डालेगा तो मिल जाएगा, टैब दबाना है। सेकंड कॉलम चाहिए, और इस बार हमको बीच में ढूंढना है, क्योंकि सिर्फ ए जी एम एस ढूंढेगा तो कोई मिलने वाला नहीं है। अगर इधर जीरो डालेंगे तो देखो क्या होता है, कुछ भी नहीं हुआ। सो इधर बोलना है, बीच में जाओ भाई, ढूंढो अंदर। तो हो गया। अभी अगली चीज देखते हैं। ये क्या है? मेरे पास सिर्फ एज है, और हर एज ग्रुप में कितने लोग हैं मुझे ढूंढना है। तो उसका मैंने पिवट टेबल बनाया। इसमें क्या दे रहा है वो? इधर हर एज का कितने आइटम है वो दे रहा है। 11 एज के 3 जन है, 23 के 2 है, लेकिन वैसा मुझे नहीं चाहिए, बहुत लंबा हो गया। मुझे उनको साथ में इकट्ठा करना है, 10 से 20, 20 से 30 ग्रुप ग्रुप करना है बेसिकली। वो कैसे करें? वो पिवट टेबल में बहुत आसानी से होता है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। सो करना क्या है? राइट क्लिक, जब कुछ आता नहीं है तो राइट क्लिक करने का, ये पहले समझ लो। ग्रुप करो,
पहले वो कुछ बता रहा है, फिर वो पूछ रहा है। वो बता रहा है कि तुम्हारा मिनिमम वैल्यू अभी के हिसाब से 7 है, सबसे ज्यादा है 95, और वो बोल रहा है कि 10 के हिसाब से करो, वो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए 10 रखते हैं। तो बहुत इजीली तुरंत हो गया 10 के हिसाब से ग्रुपिंग, बहुत अच्छी बात है। ये करने के लिए लोग हाथ से बहुत मेहनत करते हैं, कोई फायदा नहीं उसका। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये 7 से चालू हो रहा है, ये बहुत गंदा दिख रहा है। हमको 0 या 1 से चालू होना, अभी क्या करेंगे? हाथ से नहीं लिखना है, राइट क्लिक करेंगे, उधर ही जाएंगे, वापस ढंग से देखेंगे। प्रॉब्लम क्या है? दिखता है फिर भी हम देखते नहीं है। क्या दिख रहा है उधर? हाँ, 7 और 95 दिख रहा है, लेकिन पहले सोचने की बात है। उसको सिर्फ अगर हमको दिखाना था कम और ज्यादा नंबर, तो वो ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जैसा क्यों है? एडिट करने दे रहा है। इसका मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि हमको नहीं चाहिए 7, उसको 1 करते हैं, समझो इसको 90 करते हैं। 90 के ऊपर डेटा है, ये हम डेटा नहीं चेंज कर रहे हैं, हम रेंज दिखाने वाला चेंज कर रहे हैं। अभी पहले 7 और 95 था, अभी हमने 1 और 90 किया। अभी दूसरा कोई देखेगा तो समझेगा, अरे ये डेटा में ही 1 और 90, ऐसा नहीं है, ये चेकबॉक्स निकल गया। देखो, अगर पुराना वाला नंबर एक्चुअल चाहिए तो क्लिक करो, तो फिर वापस आएगा। ये सही बनाया है, समझने का कोशिश करो। हर चीज का फायदा होता है, वो समझने में हमारा फायदा है। सो ठीक है, कर दिया, तो ऐसे होता है सिंपल ग्रुपिंग। ये बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन हर टाइप का ग्रुपिंग ये नहीं कर पाता। अभी ये देखते, डेटा सेम है लेकिन हमको ग्रुप ऐसा चाहिए, बच्चा जवान बुढ़ा ऐसा। अभी उसमें क्या है, 10-10 का अंतर नहीं है, ये 0 है, 11 है, 20 है, डायरेक्ट 66 है, वो गड़बड़ है। ये पिवट टेबल में नहीं होगा, उसके लिए हमको वी लुकअप में आना है। तो उसके लिए रेंज लुकअप बना है, हमको मालूम है जहाँ रेंज चालू होता है वो लिखने का, वो तो हो रहा है अभी। तो अभी इधर क्या करना है, वी लुकअप। एज तो वही है, बिन्स टेबल का नाम है, और सेकंड कॉलम लेते हैं। और ये रेंज लुकअप है कि नहीं, अभी तो समझ गए होंगे ये रेंज लुकअप करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, सिर्फ 0, 11, 20 और 66 यही लोग मिलेंगे, बाकी बीच के लोग को एरर आएगा ना, बीच में ढूंढना है। तो 1 हो गया, अभी समझो बाद में चेंज हो गया, हमको बोला कि 60 के ऊपर लोगों को बुढ़े बोलना है, तो क्या करना है, इधर चेंज कर दो, ये तो फॉर्मूला है ना, सब जगह चेंज होगा। ये और एक बहुत बढ़िया तरीका है जहाँ वी लुकअप यूज हो सकता है। अभी डेट्स में भी यही चीज चलती है, ये क्या है, डेट है, अमाउंट है। हमको ऐसा टेबल बनाना है कि हर ईयर में, हर क्वार्टर में, हर मंथ में टोटल बिजनेस कितना हुआ। ये तो पिवट टेबल ही दे रहा है, पिवट टेबल दे तो रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, यह सोचता है कि तुम्हारा जो वर्ष है वो 1 जनवरी को चालू होगा। अभी कुछ कंट्री में वो 1 अप्रैल से चालू होता है, फिर क्या होगा। अभी ये देखो, इधर अप्रैल का जो महीना है वो क्वार्टर 2 बोल रहा है, कोई कंट्री में इसको क्वार्टर 1 बोलना है, तो कैसे करेंगे। तो पिवट टेबल का ग्रुपिंग नहीं होगा। ये ग्रुपिंग बाय द वे सेम चीज है, राइट क्लिक ग्रुप, उसको समझता है, अगर नंबर है तो पहले वाला देगा, डेट है तो ये वाला देगा। तो इसके लिए क्या करें, डेटा भी वही है, नंबर भी वही है, लेकिन हमको हमारे हिसाब से फाइनेंशियल क्वार्टर और ईयर चाहिए। तो वापस लुकअप टेबल बनाओ, बिगिनिंग जो क्वार्टर का है उसका डेट लिखो, बाजू का कॉलम में हमने क्वार्टर ईयर सब डाला है। तो अभी क्या करें, वी लुकअप, डेट को देखते हैं, सर्च करना है डेट को, कहाँ सर्च करना है, FYQTR टेबल। इस बार 4th कॉलम लेता हूँ, और ये डेफिनेटली रेंज लुकअप करना ही पड़ेगा ना, तो हो गया। तो इस तरह से हम डेट में भी रेंज लुकअप यूज कर सकते हैं। अभी ये अलग चीज है, अभी हम लुकअप क्या कर रहे हैं, कस्टमर का आईडी किधर लुकअप कर रहे हैं, ये लुकअप टेबल में। क्या है ये लुकअप टेबल, जो कस्टमर ब्लैकलिस्टेड है, जिन्होंने कुछ लफड़ा किया है, उनका ट्रांजेक्शन हमको रिजेक्ट करना है, जो कस्टमर अच्छे है उनका ट्रांजेक्शन ठीक है बोलना है। तो अभी ये ट्रांजेक्शन में देखना है कौन सा कस्टमर ब्लैकलिस्टेड है, तो ये भी लुकअप हो गया। इस लुकअप टेबल में एक ही कॉलम है,
चलता है। ये वीलुकअप है, कस्टमर आईडी है, नंबर है वो, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो आईडी है। कहाँ ढूंढना है? ब्लैकलिस्ट में। अभी सेकंड कॉलम तो है नहीं, एक ही कॉलम है, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोचना है कि इधर रेंज लुकअप करे कि ना करे। सोचिए अभी क्या है, रेंज लुकअप अगर करते हैं तो क्या होगा, 555 कस्टमर ब्लैकलिस्टेड है वो तो मैच होगा, 556, 557 जो भी कस्टमर आए 555 के बाद का वो बेचारे बेवजह ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, तो ये गड़बड़ है। इधर रेंज लुकअप नहीं चाहिए, दो ही कस्टमर ब्लैकलिस्टेड है तो उनको सिर्फ मैच करना है, तो इधर बोलना है जीरो। अभी काम तो कर दिया उसने, लेकिन हमको थोड़ा डरावना लग रहा है, क्योंकि हमको ऐसा दिमाग को लगता है कि कुछ एरर आया, मीन्स गड़बड़ है। अभी सोचो जरा, एरर इधर क्यों आया? 111 में एरर आया क्योंकि 111 ये कस्टमर आईडी लुकअप टेबल में नहीं मिला। लुकअप टेबल में क्या है? ब्लैकलिस्टेड कस्टमर। उधर ये नहीं मिला, ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। सो उधर मुझे लिखना है अप्रूव रिजेक्ट। कैसे करेंगे? उसके लिए देखना पड़ेगा वो क्या रिटर्न कर रहा है, बराबर। अगर उसका एरर आया तो बोलना है अच्छी बात है, एक्सेप्ट। अगर एरर नहीं आया तो बोलना है रिजेक्ट। तो इफ कंडीशन चाहिए। तो ये जो वी लुकअप चल रहा है फिलहाल, उसको हम सिलेक्ट करते हैं थोड़ा और कट करके मेमोरी में रखते हैं। फिर बोलना है इफ, अगर। अभी चेक कैसे करें कि वी लुकअप से एरर आता है कि नहीं, उसके लिए फंक्शन है इज एरर। इसमें एरर है क्या, किस में एरर है क्या? वो तो वी लुकअप, वो हमने कॉपी करके रखा है, पेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर इसमें एरर है तो क्या करना है? इसका एरर है मतलब कस्टमर अच्छा है तो ट्रांजैक्शन अप्रूव करो, अगर नहीं है तो रिजेक्ट करो, हो गया। सो इस तरह से एरर को हैंडल किया जा सकता है अच्छी तरीके से। उसके लिए क्या यूज करना है? इफ और इज एरर का कॉम्बिनेशन। ये ट्रांजैक्शन है, पेंसिल किसी ने खरीदा 11 अमाउंट देके। अभी ये दूसरा कोई डेटा आया है, कोई ट्रांजैक्शन इधर के उधर है कि नहीं, ऐसा बहुत बार हमको मैचिंग करना पड़ता है। तो हमको सिर्फ पेंसिल नहीं करना है, सिर्फ 11 नहीं करना है, पेंसिल और 11 का है कि नहीं करना है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक अलग कॉलम बनाओ जिसमें सिर्फ ये प्लस ये डाला है। एम्परसेंड क्या करता है? टेक्स भी लेता है, नंबर भी लेता है, इसलिए इसमें स्पेस वेस की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ मैच करना है। इधर भी वैसे ही किया, कॉलम डाला। अभी यहां वी लुकअप करेंगे, इसमें कॉम्बो को ढूंढना है कंपेयर टेबल में, और कोई भी कॉलम वापस ले सकते हैं। फिलहाल हम फर्स्ट कॉलम ही लेते हैं, और ये बराबर से मैच होना चाहिए, तो ये रेंज लुकअप नहीं है। एक ट्रांजैक्शन छोड़ के बाकी सब मैचिंग है। अभी इसमें वी लुकअप में हमेशा जब कंपेयर कर रहे हैं, जो भी कंपेयर कर रहे हैं उसका टाइप बराबर होना चाहिए। दोनों साइड पे नंबर, दोनों साइड पे टेक्स्ट तो चलेगा, एक जगह पे नंबर एक जगह पे टेक्स्ट नहीं चलेगा। अभी आपने सुना होगा वी लुकअप जैसा एच लुकअप भी होता है। वी का मतलब वर्टिकल, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल। क्या करते हैं वी लुकअप में? कुछ तो ढूंढते हैं। कहाँ ढूंढते हैं? लुकअप टेबल में ढूंढते हैं। इधर वर्टिकली ढूंढ रहे हैं, इसलिए वी लुकअप। अभी सेम टेबल ऐसा मैंने गिरा दिया, तो उधर क्या आ रहा है? करेंसी रो में आ रहा है और रेट सेकंड रो में आ रहा है। तो अभी मुझे ढूंढना ऐसा नहीं है, इस तरफ है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। सो सिंटैक्स क्या है? सेम है। इसमें क्या बोल रहे हैं हम? एम्पायर सर्च करो, इस टेबल में सर्च करो, दूसरा कॉलम उठाओ, और रेंज लुकअप नहीं है, वी लुकअप ऐसा। एच लुकअप का भी वही सिंटैक्स है, सिर्फ इसमें क्या बोलते हैं? लुकअप वैल्यू विच इज D6। अभी ये टेबल नहीं बनाया मैंने, बट ठीक है, फंडा वही है। अभी इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं, रो इंडेक्स नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये सेकंड रो में आ रहा है, और रेंज लुकअप तो वही है, बात सेम ही है, सिर्फ डेटा कैसे दिया हुआ है उसके ऊपर है। इसमें क्या किया है हमने? सेम डेटा है, हम करेंसी देख रहे हैं, उसका रेट उठा रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। फिर ये रेट आ गया, अमाउंट को रेट से मल्टीप्लाई करें, टोटल ले लें, फिर इस कॉलम का भी टोटल लिया, सब ठीक है। एक ही प्रॉब्लम है, एक उसको करेंसी मिला नहीं, इधर है ही नहीं, तो नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला तो एरर देगा, वो भी ठीक है। अभी वो एरर इधर है, फिर इसका और एरर का मल्टीप्लाई करेगा, तो भी एरर।
इसको सम करेगा तो भी एरर, तो एक एरर की वजह से दुनिया भर अपना प्रॉब्लम चल रहा है। तो हमको इधर क्या बोलना है, भाई एरर आने दो, अगर एरर है तो जीरो बोल दो। कैसे? सो यहां आप सेम इफ और इज एरर को यूज करेंगे। इज एरर, इफ इज एरर, तो हमको पता है किस चीज में एरर ढूंढ रहे हैं, वी लुक अप में ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें एरर है तो क्या करना है, एरर है तो जीरो देना है, अगर एरर नहीं है तो क्या करना है, पूरा वी लुक अप है ना वही देना है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी ये तो ठीक है, लेकिन इसमें देखो जरा, अगर ये डेटा बहुत बड़ा है और हमको मालूम है एरर कम जगह पे आने वाले, ज्यादा करके एरर नहीं आता है, तो हजारों रो में क्या हो रहा है, पहले वो चेक कर रहा है वी लुकअप, एरर आया क्या, नहीं आया। अगर नहीं आया तो उसको वापस वही वी लुकअप दोबारा करना पड़ रहा है। अगर डेटा छोटा है तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेटा बड़ा है तो इसकी वजह से स्लो होगा सब। सो ये चल तो रहा है काम, लेकिन एफिशिएंट नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें वी लुकअप दो बार यूज करना पड़ रहा है। एक्चुअली हमको क्या बोलना है उसको, भाई एक ही बार वी लुकअप कर, बराबर, अक्कल नहीं क्या तेरे को, अगर एरर है तो जीरो दे, नहीं तो क्या देने का क्या पूछता है, तूने ऑलरेडी वी लुकअप किया ना, दे दे वो। उसको बोलते हैं इफ, अभी इज एरर अलग नहीं डालना है, उधर देखो सेकंड फंक्शन आ गया इधर, इफ एरर मीन्स उसको बोलना है एरर आया तो क्या करने का, एरर नहीं आया तो क्या करने का बोलने का ही नहीं। इफ एरर किस में, वी लुकअप में, अगर एरर आया तो जीरो दे दो, खत्म बात। अभी क्या करें, एक्चुअली जीरो भी अच्छी बात नहीं है, बिकॉज कभी कभी जेन्युइन जीरो आ सकता है, कभी एरर की वजह से जीरो आ सकता है, हमको समझना चाहिए इसमें एरर है। सो दूसरा कुछ डालो जिससे एटलीस्ट दिखे हमको कि एरर है। अभी हो गया, ठीक है, अभी भी वो एरर ऊपर जा रहा है, तो करना क्या है, इधर एरर रखो, इफ एरर इधर डालो। सो ओरिजिन में एरर हाइड करना अच्छी बात नहीं है, बाद में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन तुमको समझ गया कि इफ इज एरर कब यूज करना है और इफ एरर कब यूज करना है। तो ये हो गया वी लुकअप। ज्यादा वी लुकअप डालेंगे तो एक्सेल स्लो हो जाता है, तो पावर क्वेरी यूज करके वी लुकअप को कंप्लीटली हटा ही सकते हैं। दूसरा एक्स लुकअप बोल के और एक फंक्शन आया है, नया फंक्शन, वो बहुत फास्ट है और बहुत सारे फैसिलिटी देता है जो वी लुकअप नहीं कर पाता है, बट वो एक अलग वीडियो में देखेंगे। फिलहाल वी लुकअप वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।